एक बात तो है दोस्तों, असली मजा मंजिल का नहीं रास्तों का है। झूले दोस्तों, झूले कभी ना भूले। तो इसी तरह हम लोग हमारी पहली राइड पे जा रहे हैं। तो जो पहली राइड है हमारी, ये नियर बाई है 50-45 किलोमीटर की। तो मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो देखते हैं आगे हम लोग, अभी जो हमारा सेकंड है वनडे एक्लीमेटाइज, क्या बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट में स्टेबल होने के लिए हमारी बॉडी को हम लोग को एक दिन का रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद में हम लोग को राइड पर भेजा जाता है। हमारे ग्रुप में से एक बंदे की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको एडमिट वगैरह किया है। तो अभी आगे देखते हैं। ये हमारे फिरोज भाई है टोपी वाले, ये जो है बाइक के मैकेनिक है, हमारे साथ रहेंगे। ये हमारा पिकअप व्हीकल है, ये हमारे साथ में चलेगा। कुछ भी अगर इशू वगैरह होता है तो मैकेनिक हमारे साथ में रहता है। ये हमारी बाइक्स वगैरह, हमारे ग्रुप में कितने लोग रहेंगे तो सबके पास हिमालयन है। कुछ लोग हमारे साथ मलेशिया से आए हैं, तो वो 5-6 पीपल है, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। हम लोग को एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, अगर आप कोई भी टूर पैकेज से जाओ तो सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, उसमें फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। उसका डिपॉजिट रहता है 5,000 रुपीज़, और बाइक को कुछ हो गया तो अपनी जिम्मेदारी रहती है। सो ये देखिए, वैसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ है। जो हम लोग आज जाने वाले हैं, आपको पीयूष भाई बताएगा आपको कहाँ जाने वाले। पीयूष भाई, आज हम नियर बाय एरिया में जाने वाले हैं, लेह के 40 किलोमीटर के आसपास का दायरा हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें शाम वैली, उसमें नज़दीक के साहिब गुरुद्वारा हम विजिट करेंगे। वहाँ पे लंगर होता है 24 घंटे, बहुत ही टेस्टी लंगर होता है वो। हमें बड़े बहुत बड़े जानकार है, इनको पूरी डिटेल्स रही थी। आराम से खाना है, क्योंकि ये सामने प्रॉब्लम हो सकता है, पेट गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा हमारे पास टैबलेट वगैरह का इंतजाम है। कल एक जन को एडमिट किया है हमारे ग्रुप से, तो ये हम आज करेंगे। आज इजी राइड है, कल से हम करेंगे जीज़प वाली राइड। तो वही है, हम आज 50 किलोमीटर के दायरे में जाने वाले, तो ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है। तब तो सस्पेंस बनाई रखिए, सस्पेंस बनाए रखिए। हमारे साथ बैठी है बाइक पे, मैं पीछे बैठूंगा, पीयूष भाई बैठेंगा, तो आगे की जर्नी हम आपको दिखाते हैं। वैसे है कि नहीं, क्या बोलते पीयूष भाई? यस। तो ये हमारे राइडर्स है दोस्तों, अभी हम फ्यूल वगैरह भरा रहे हैं। ये हमारे मास्टर है, ये हमको पूरी टूर में गाइड करने वाले हैं। इनकी इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करनी है। बाकी तो ये लोग, ये मलेशियन गाय है, दिस बॉय इज फ्रॉम मलेशिया। हम लोग हैं 10-15 लोग, देखते आगे अभी ये कहाँ लेकर जाते हैं। मस्तानी चले जिंदगी बस नहीं। थोड़ी देर में हमारी कैसा खंडा पड़ रहे हैं, खंडा पड़ गया। ऐसा खंडा अपने को पसंद नहीं है, खाने में, रोने में, धोने में, गाड़ी चलाने में। वो चोटी पे जाना अपने मोदी का, वो चोटी पे जाना, या ऐसा कैमरा डाइवर्ट नहीं होता। वो चोटी यहाँ से नहीं दिख रही, अभी दिखेंगी वो ऊपर है चोटी, बर्फ की चोटी, उधर जाएंगे अपन। हम लोग जो जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे, तो कहीं तो जा रहे हैं, बट जो लोकेशन है वो मिलिट्री बेस कैंप से होते हुए जा रहे हैं। लोकल साइट सीन, और ये जो लोकल साइट सीन है ना, वो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मतलब पूरे मिलिट्री के बेस कैंप और ऑल दैट स्टफ, जहाँ देखो वहाँ मिलिट्री के ट्रक्स दिखेंगे। ये हमारी गैंग है, ये जो है चूटी वाले भाऊ, ये हमारे मलेशिया के है। ये देखिए उनसे चूटी कैसे उड़ रही है, ये स्पेशल हमने मलेशिया से बुलाया है हमारे ग्रुप में। काले काका भी है, काले काका भी है, वो अभी दिखेंगे, ये है वो अभी पीछे होंगे, ये है ना, मतलब सफेद सफेद हेलमेट वाले। और ये हमारा भाई चला रहा है गाड़ी, पूरे ओलंगा भाई, पूरे ओलंगा जैसी बात कर रहा है। और ये देखिए पहाड़, लद्दाख की पहाड़। ये देखिए ऐसे जगह जगह पे हमको मिलिट्री बेस कैंप दिखने को मिलते हैं।
मलेशिया वाले भाऊ है, इनको बहुत आग है, जब देखो तब खड़े होते रहते हैं। यही नज़ारे है दोस्तों जो हम लोग को लद्दाख के वादियों में खींच के लाते हैं। ये सिर्फ आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ इतना रिस्क लेकर। यहाँ पे कुछ चेकिंग बेकिंग हो रही है, जैसे टेंट लगे हुए हैं, ये चौकी है इधर लेकिन। चलो गाइस, हमारा मास्टर रेडी हो गया, चलो। साहेब गुरुद्वारा, तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, लंगर वगैरह लेंगे। बहुत ही अच्छा प्लेस दिख रहा है। इसके पहले था वो मैग्नेटिक हिल, उसके पहले हमने रिवर राफ्टिंग वगैरह होती वहाँ पे गए थे। ये दोस्तों हॉल ऑफ फेम, अभी हम लोग आए तो बंद है, इसमें यहाँ पे रात में लेजर शो है बोल रहे, तो हम लोग मोस्टली रात में आ जाएंगे। बस हम लोग जा रहे दोस्तों अभी शांति स्तूपा। शांति स्तूपा में बुद्ध की मूर्ति वगैरह है, शायद अभी तक देखा नहीं है, देखते आगे चल के क्या मिलता है अपने को। हॉल ऑफ फेम में गए थे वो बंद था, तो वो 5 बजे वहाँ पे कुछ लेजर शो है, तो वो देख लेंगे। देखते अभी जाने का है या नहीं, सांस फूल रही है, बट इधर सांस फूल रही है। अरे
सांस फूल रही इधर है ना। ये अभी हम जा रहे हैं दोस्तों लेह पैलेस में। लेह पैलेस बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके पहले अपन ने क्या देखा था, मॉनेस्टी, शांति स्तूपा हमने देखा था। शांति स्तूपा विजिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्पॉट होता है वो है लेह पैलेस। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दरवाजे लगने की शक्यता है। और बता, किला मिल्ला टूट गया तो बचाव के लिए चाहिए, इसलिए अपने वो ये पहना हेलमेट। हम आ चुके हैं हॉल ऑफ फेम में और ये नाइट व्यू है। सुबह हमको बंद मिला था, तो यहाँ पे अभी लेजर लाइट शो होता है हॉल ऑफ फेम में, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। अभी तो बहुत ही अच्छी लाइटिंग दिख रही, देखते आगे। हम लोग पूरे ग्रुप के साथ आए हैं। ठंड लग रही है, ठंड लगी पैसे के नाम से। हमने तो सुना था पैसे से गर्मी लगती है, यहाँ ठंड लगी। ओके, आप सभी देवियों सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है।